अपने वार्ड में पानी की समस्या हल नहीं होने पर प्रशासन को आड़े हाथों लेते हुए बसपा की नगर सेविका ने मनपा की महासभा में जोरदार हंगामा किया। 2000 करोड़ से अधिक बजट वाली प्रशासन द्वारा रास्ता, उड़ान, पुल आदि कार्यों की फाइल तो पास की जा रही है, मगर 25 लाख की कीमत की नई पाइपलाइन बिछाने के काम जैसी फाइल मंजूर नहीं कर पानी जैसी अति आवश्यक समस्या का निदान नहीं किया जा रहा, जिससे नागरिकों को पीने के पानी को तरसना पड़ रहा है। महासभा में बसपा की नगर सेविका ने पानी का मुद्दा उठाते हुए कहा कि उनके प्रभाग ओशले मानरे परिसर में 8 दिनों में 2 दिन ही पानी आता है, नागरिकों को 4 दिनों तक वही पानी पीना पड़ता है। परिसर के नागरिकों के जरूरत के अनुसार स्वच्छ पानी मिल सके इसके लिए नई पाइपलाइन डालने के लिए एक प्रस्ताव तैयार किया गया था और 32 लाख कीमत के काम की फाइल, 25 लाख कर पिछले 4 वर्षों में पानी की नई पाइपलाइन डालने की 25 लाख की फाइल मंजूर कराने के लिए प्रशासन के दरबार में चक्कर लगाए जा रहे हैं, मगर 4 साल बीत जाने पर आज भी फाइल मंजूर नहीं की गई। नगर सेवकों ने आरोप लगाते हुए शासन प्रशासनों को आड़े हाथों लिया है। नमस्ते जी, मैं नगर सेविका सोनिया आहिरे पगारे, वार्ड क्रम्बा का 105 की मैं नगर सेविका हूँ। और कल के महासभा में जो मैंने आवाज़ उठाया, सब जनता ने मुझे, सब नगर सेवक ने मुझे सपोर्ट किया, सब पत्रकार लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। 4 साल से मेरी एक फाइल थी, जो पानी की फाइल थी, कम से कम वो 32 लाख की फाइल थी। ये अधिकारी लोग यहाँ से लेके वहाँ से लेके 85 टेबल्स मैंने वो फाइल जो है वो घुमाई, और घुमाने के बाद में इन लोगों ने वहाँ पे आयुक्त ने लिखा उसके ऊपर चर्चा क्या करनी है। पानी ये लोगों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। अगर इन लोगों को कोई रास्ता बनाना होता है, कोई उड़ान पुल बनाना होता है या किसी को देना होता है, तो ये 1-1.5 करोड़ ऐसे ही दे देते हैं। तो एक गरीबों के लिए, जो मेरा वार्ड है वहाँ पे सब गरीब लोग रहते हैं, वहाँ पे पानी की इतनी समस्या है कि 8 दिन में 2 बार पानी आता है। मेरी जो जनता है वो 4 दिन का पानी पीती है। 4 दिन में पानी पीने के बाद सामने वाले इंसान कितने बीमार गिर सकते हैं। उसके लिए मेरी ये मतलब सब लोगों से रिक्वेस्ट है, जो भी आयुक्त है या फिर KDMC के नगर सेवक है, महापौर है, सब लोगों ने मेरी ये फाइल मंजूर करनी चाहिए। ज़्यादा नहीं है, इन लोगों ने मेरे 32 से लेके 25 पे फाइल ला के रखी है, कोई बात नहीं है। मेरा सिर्फ कहना है कि पानी की लाइन मुझे मेरी पास होने दो और जनता तक पानी जाने दो। वैसे कि मुझे ये पानी का काम करने के लिए मुझे बहुत सी रुकावटें आई। मैं पहले साल से ये फाइल लेके घूम रही हूँ, तो 4 साल हो गए, फिर भी अधिकारी लोग बोलते हैं कि बजट नहीं है, फंड्स नहीं है, निधि नहीं है। मैं क्या कर सकती हूँ, मैं कहीं से निधि फंड, ये बहुत पहले साल की है। वो तो पहले बोले कि अमृत में से करेंगे, उसके बाद में बोला पानी कैसे करेंगे, फिर बोलेंगे कॉमन में से करेंगे, और ये लोग मेरा कोई काम कर रहे नहीं। मुझे तो लग रहा है कि यहाँ पे कोई षड्यंत्र रच रहा है, इसके लिए मेरे फाइल्स का कोई काम नहीं। देखा जाए, आप सत्ताधारी भी हो और समर्थक भी हो, इसके बारे में क्या कहना चाहोगे आप? सत्ताधारी होके और समर्थक होके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि सत्ताधारी को सपोर्ट करके वहाँ पे जाके सिर्फ बैठना ही है, तो मुझसे नहीं होगा। क्योंकि मैं एक दलित नगर सेविका हूँ, और दलितों का जो तकलीफ है वो मैं जानती हूँ कि उनको क्या तकलीफ होगा। मैं एसी में बैठने वाली लड़की नहीं हूँ कि एसी में बैठ के मज़े लूट दूसरे लोगों की तरह। मैं गरीब लोगों के घर घर तक गई हूँ, तो मुझे गरीबों की तकलीफ देखी नहीं जाती है। सत्ताधारी भी रहे तो उनके भी रिक्वेस्ट करके मैंने उनसे रिक्वेस्ट मांगी है कि मेरा ये काम करो, पर आज तक मेरे पानी का काम हुआ नहीं है। तो सत्ता में रहकर मेरा फायदा क्या है? अगर आप सत्ता में, अगर आपको नहीं मिलता ये सब चीज़ें, तो आप आगे क्या, आपका कुछ नहीं। मैं एक महीने तक, अगले सभी तक मैं राह देखूंगी। अगर मुझे पानी का मेरा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता, तो मैं नगर सेवक रह के कुछ फायदा ही नहीं है। मैं मेरे पद का राजीनामा दे दूंगी और फिर जो है वैसे ही चलेगा, और कुछ नहीं। क्योंकि मेरे राजीनामा देने से भी पता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है किसी को, पर जो मेरे जनता के लिए जितना हो सकता है मैं उतना करूंगी। उनके लिए पानी लाना है तो मैं कहीं से भी पानी की। अभी कितना स्लम मेरे यहाँ पे? मेरे यहाँ पे पूरा चौल का भाग है, और 50 लोगों के रूम को एक सार्वजनिक टैप दिया है मैंने। उनके घर में जैसे कि हफ्ते में सिर्फ 2 बार पानी आता है, और वो बहुत गंदा पानी आता है, क्योंकि ये बहुत पुरानी लाइन है जो गंजी हुई है, पूरी सड़ी हुई है, और उसमें से कीटाणु अंदर जाते हैं। जो सब पब्लिक, जो भी जनता है, जो मुझे बार बार मोर्चा लेके आती है, मुझे यही कहती है अब मैं तंग हो चुकी हूँ 4 साल में, इसीलिए मैंने ये कदम उठाया।